ऑल, इट्स फ्राइडे और पर्टिकुलर व्लॉग इसमें कुछ चंद इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर वन इज ये चीज़ हमेशा के लिए रहेगी, मास्क। कोरोना वरना तो कोई है नहीं, लेकिन मसला ये है मेरे जो दांत है वो एक दांत टूट गया था, उसकी वजह से दो तीन दांत जो है वो अपनी पोजिशन चेंज कर बैठे हैं भाई, यहाँ से इधर, इधर से उधर हो गए, और इसका प्रॉपर इलाज होगा मेरा, लेकिन अभी नहीं हो रहा। अभी कुछ मसरूफियात है ज़िंदगी के, मैं पहले सोचा था कि व्लॉगिंग बाद में शुरू करूँगा, पहले ये इशू ख़त्म करवा लूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई नहीं, तुझे व्लॉग बनाने चाहिए, तूने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, अब टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मास्क लगा के व्लॉग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यही सोल्यूशन है अभी। दिस इज़ नॉट पर्टिकुलर व्लॉग, ये तो मैं जस्ट आपसे बात करूँ, फिर हम अपने व्लॉग में कवर करेंगे और व्लॉग्स बनाएंगे कौन सी चीज़ों पर। नंबर वन थिंग इज़ व्लॉग, ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग तो इतने ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल करता नहीं हूँ, और अगर कभी ट्रैवल करा तो ट्रैवल व्लॉग, क्योंकि पहले मैंने ट्रैवल व्लॉग बनाए हुए जो कि आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे। और सेकंड में बताऊंगा कि अच्छी बात है, वो रूम में बैठ के ही बात करेंगे, कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। लेकिन सोचा हुआ कि यार जैसे कराची में दो तीन स्पेशल बीचेस है, हॉक्स बे, सी व्यू एंड दो दरिया, वहाँ पर किसी अच्छी जगह बैठ के अच्छी बातें की जा सकती हैं, जिसमें ऊपर से ड्रोन उड़ रहा हो और सामने से एक कैमरा का शॉट, और वहाँ पर अच्छी बातें, इसके साथ अच्छी लाइफ की बातें डिस्कस करना और वही आप सबके साथ शेयर करना इन द फॉर्म ऑफ व्लॉग ऑन वीकेंड, ये सोचा हुआ है। प्लान तो बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन देखते हैं कर क्या पा रहे हैं हम। इट्स स्टार्टअप, और स्टार्टअप ऐसे नहीं है कि पहले मैंने व्लॉग बनाया नहीं, बनाए हुए, लेकिन अब जो स्टार्टअप कर रहा हूँ ना, इसमें रेगुलर बेस्ड व्लॉग होंगे और अनलिमिटेड व्लॉग होंगे। हो सकता है डेली एक्टिविटीज, डेली व्लॉगिंग भी हो, लेकिन जब अच्छी एक्टिविटी होगी तब डेली व्लॉग बनाऊंगा, नॉट दैट कि जहाँ मैं दूध लेने जा रहा हूँ, ये लेने, समोसे पकौड़े वगैरह या सब्जी लेने जा रहा हूँ, तो उसके व्लॉग नहीं बनेंगे। बाय द वे थैंक यू ऑल, और अब एक ही रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी वीडियो अगर आपके सामने आए ना, तो एटलीस्ट वन मिनट उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बनाने वाले जो होते हैं ना, हम उस पर 8 घंटे 10 घंटे शायद दिन भी लगा देते हैं। इनिशियली पता नहीं कि अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन हम इतना टाइम दे देते हैं अपने उस ब्लॉग को, लेकिन अगर आप उस पर 1 मिनट देंगे ना, तो हमारे लिए बेस्ट है। और रिएक्ट कर, सी यू।